अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये आज हमारे पास आया डेल का XPS का मॉडल है 55 50। इसका कीबोर्ड चेंज करना था थोड़ा सा, तो मैंने अभी खोल दिया इसका बैक एंड से। और कीबोर्ड इसको चेंज करने के लिए प्रॉपर सारा इसका बोर्ड ओपन हुआ है। ये बोर्ड है और है तो काफ़ी बड़ी मशीन है, 9th जनरेशन की मशीन है। और फिर इसके नीचे है कीबोर्ड। अभी इसके साथ का कीबोर्ड लेकर आए हैं न्यू में। इस देख रहे हैं इसके सारे पेज, छोटे छोटे पेज हैं ये सारे कीबोर्ड के, ये खुलेंगे उसके बाद ये यहाँ से ये कीबोर्ड बाहर निकलेगा सी पैनल से। और ये सी पैनल के माउस पैड के ये इंटरनल साइड से कीबोर्ड इसका इंसर्ट हुआ हुआ। इसमें सी वी और इंटर का कीबोर्ड का बटन नहीं चल रहा था, तो अभी इसको हम कीबोर्ड नया तो लाए हैं और लाइट वाला ही कीबोर्ड है, इसको खोल तो लिया, अब लगा के चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं। ये भी कीबोर्ड के ये वाले सारे पेज जो हैं वो सारे कीबोर्ड के आए हैं। और क्योंकि इसके साथ तो कभी उतार के फिर दूसरा कीबोर्ड इसमें लगाते हैं, फिर इसको सारा क्लोजिंग है। इसके नीचे भी स्टिकर के नीचे भी इधर स्टिकर इसका रिमूव करना पड़ेगा। इसके काफ़ी सारे इसके पेज हैं, देख रहे हैं सारे कीबोर्ड बाहर आएगा। कीबोर्ड के इतने पेज हैं जितने पूरे लैपटॉप के पेज हैं, सिर्फ कीबोर्ड पे लगे हैं। काफ़ी सारे इसके पेज हैं। बोर्ड मदरबोर्ड के नीचे लगा होता है कीबोर्ड इसका ना। ये इसके सारे पेज तो निकल गए, फिर रह जाएगा। ये भी इसका कीबोर्ड डिस्कनेक्ट कर लिया और अब इसमें नया कीबोर्ड लगाते हैं। नया कीबोर्ड लगाते हैं इसमें, ये इसका न्यू कीबोर्ड है और ये इसका ओल्ड कीबोर्ड है, जिसमें ये न्यू कीबोर्ड लगा के आपको बताते हैं। ये भी इसका जैक लगा दिया और अभी इसमें से ये लाइटिंग का जो कीबोर्ड में लाइट है उनका भी लॉक हो गया। ये भी इसमें कीबोर्ड हमने लगा दिया और अब इसके ऊपर बोर्ड लगाते हैं फिर और बैटरी लगा के बाकी केबलिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, ये बोर्ड अभी लगाते हैं फिर इसको लगा के इसको चेक करते हैं फिर कीबोर्ड। कीबोर्ड तो लगा दिया सारा और अब इसका स्ट्रिप्स और इसकी बोर्ड की फिटिंग करते हैं। देखें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये पूरा, क्योंकि पूरा खुलता है तो फिर ही जाके ये। अभी इसके साथ फैन भी साफ कर दिए हैं और वो भी सर्विस कर दी है। इसको बोर्ड लगा दिया सारा, प्रोसेसर और रिमेन एनवीडिया के चिप ये भी साफ़ कर दिया। इसके ऊपर पेस्ट भी लगाते हैं क्योंकि ये अब खुला तो है, तो एक दफ़ा ये पेस्ट लग जाएगी फ्रेश तो ठीक हो जाएगा। ये पेस्ट लगा लेते हैं और इसके साथ फिर इसकी, क्योंकि पहले वाली पेस्ट सारी खुशक हुई हुई थी, वो भी साफ़ कर दिया। ये भी बैटरी के इसके पेच वगैरह लगा रहे हैं।
वन टू अब इसका हीट सिंक है ये देखेंगे हीट सिंक लगेगा परफेक्ट लगाते हैं केबल्स इसके साथ कनेक्ट कर दें ब्लैक ब्लैक के साथ वाइट वाइट के साथ हो गया फैन भी दोनों लग गए हीट सिंक भी लग गया बैटरी भी लग गई एसएसडी भी वाईफाई भी पावर केबल और बैटरी की केबल भी बैटरी की पेच भी अब इसको ऑन करके देखते हैं ये भी इसको ऑन किया कीबोर्ड वगैरह अभी लग गया कीबोर्ड की लाइट भी और ये बाकी भी लॉगिन होता है तो फिर इसको कीबोर्ड लगा के चेक कर अब ये कीबोर्ड इसका सारा चेक कर है कीबोर्ड इसका चल रहा है फिटिंग हो गई है इसके डेल एक्सपीएस 9075 मॉडल पूरा लैपटॉप इसका खुलता है और सारा फिर उसके बाद एंड पे कीबोर्ड इसका निकलता है।